चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, आज के स्टूडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से ही हम CS कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे एस्पेक्ट पे फोकस किया है, जैसे कि CS का कोर्स क्या है, उसमें कितने स्टेजेस हैं, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन डेट्स। जैसे कि पता है हमें, अगर CS फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और प्रोफेशनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके हर एक के अलग अलग डेट्स होते हैं और वो डेट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS के रजिस्ट्रेशन डेट्स। जो लोग CS के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको वो डेट फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर वो डेट फॉलो नहीं किया तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे महीने ऐसे वेस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं ये कवर करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे अगर CS फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या लास्ट डेट क्या होता है, कौन सी डेट से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन सी डेट्स के बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। वैसे ही हम आज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमें CS कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो कौन से डेट्स से पहले करना चाहिए, कौन से डेट्स के बाद उसको रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाते। ये सारी बातें आज के वीडियो हम देखने वाले हैं। तो आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आज सभी दोस्तों को और अपने प्यारे सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने ये मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल है जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट्स, जिसको हम आपको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी आपको प्रेस करना है ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आपको इस प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपने आप आपके नोटिफिकेशन बॉक्स पर आ जाएंगी। साथ ही में शुरू करते हैं बिना टाइम गवाएं आज का ये वीडियो और यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें CS कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो डेट्स क्या होती हैं, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या होंगी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो बिना टाइम गवाएं। आपको सभी दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके मन में जो सवाल हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में वो पूरे यहाँ पर उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर हमें फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो ये है उसके डेट्स। इसके पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम 31 मार्च ऑफ अपेयरिंग इन डिसम्बर एग्जामिनेशन इन द सेम ईयर। अगर हमें फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और हम अगर डिसम्बर का अटेम्प्ट देने वाले हैं, डिसम्बर के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो हमें 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उसी प्रकार से अगर हमें जून का एग्ज़ाम देना है तो हमें 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और एक बात मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ, अगर हम इस 2021 में हैं और मुझे अगर जून 2021 का एग्ज़ाम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 2021 का जून का एग्ज़ाम देना है तो मुझे 30 सितंबर 2020 से पहले उसको रजिस्टर करना है और 30 सितंबर तक मुझे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर मुझे दिसंबर का एग्ज़ाम देना है जो 2020-21 में होगा, उसको अगर मुझे रजिस्टर करना है, उसको अगर वो मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो मुझे 31 मार्च 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये है डेट्स, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। और एक बार मैं आपको समझाता हूँ, अगर मुझे दिसंबर का एग्ज़ाम देना है 2021 का तो मुझे 31 मार्च 2021 से पहले और 31 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिमिलरली अगर मुझे जून का अटेम्प्ट देना है 2021 का तो मुझे 30 सितंबर 2020 से पहले रजिस्टर करना होगा और उसी डेट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये हो गया फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। चलो बात करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अगर हमें दिसंबर अटेम्प्ट देना है, दिसंबर में अगर हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोनों मॉड्यूल लेके, दोनों मॉड्यूल का एग्ज़ाम अगर हमें देना है दिसंबर में तो मुझे और हमें 28 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर दो देना है, दो ग्रुप साथ में देना है, तो अगर मुझे एक ही ग्रुप देना है दिसंबर में तो मुझे 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर हम ये बात हो गई एक और सिंगल ग्रुप के लिए,
और उसके बाद 31 अगस्त फॉर अपेयरिंग इन बोथ मॉड्यूल्स इन जून एग्जामिनेशन। अगर मुझे जून का एग्ज़ाम देना है तो मुझे जून का एग्ज़ाम देना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे 31 अगस्त से पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर मुझे दो ग्रुप्स देने हैं तो। अगर मुझे एक ही ग्रुप देना है तो 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और एक बार मैं आपको ये बात समझाता हूँ ताकि आपको ये बात आपके समझ में आए। अगर मैं फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर करवाऊँ और मुझे अगर दिसंबर का एग्ज़ाम देना है तो मुझे 31 मार्च से पहले रजिस्टर करवाना होगा। अगर मुझे जून का एग्ज़ाम देना है तो मुझे 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये तो समझ में आया। अब एग्जीक्यूटिव की बात और एक बार करेंगे। अगर मुझे दोनों ग्रुप देने हैं वो दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो मुझे 28 फरवरी से पहले और 28 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर मुझे एक ग्रुप देना है दिसंबर का तो मुझे 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर मुझे जून का एग्ज़ाम देना है तो मुझे दोनों ग्रुप देना है तो 31 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर मुझे जून का एग्ज़ाम देना है सिंगल ग्रुप का तो 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये सारे डेट्स आपको याद रखना है। मुझे लगता है अब जो मैंने जो यहाँ पे डेट्स के बारे में बोला है एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही मैं यहाँ पे जो शेयर बटन है उसको भी क्लिक करके ये वीडियो आपके दोस्तों में और आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी उनका फ़ायदा ले सके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा ताकि हम आने वाले वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सके। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में देखेंगे आप कुछ तो नई बात। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।